वेलकम बैक। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हमारे नाज़रीन का इस्तकबाल है इस ख़ास अनकट प्रोग्राम में। हमारे पास वक्त कम होने की वजह से हम ये प्रोग्राम सिर्फ एक बजे तक चला सकते हैं, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम शेड्यूल रहते हैं। इसीलिए मैं माजरत चाहता हूँ, अगर आज ये लाइव रखने की वजह थी कि हम आवाम के तासुरात मैं ख़ुद जान सकूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था हबीब साहब, थोड़े फ़ोन कॉल्स मेरे को आ रहे हैं जी, इनकरेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थोड़े फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि प्रोग्राम बंद करो वरना चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए आज मैं आवाम से तासुरात लेना चाह रहा था। हम एक कॉल लेते हैं, उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो तासुरात हमारे नुमाइंदे लाए हैं हम उसे पेश करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है दूसरा कॉल देखते हैं। जब तक, जैसा कि हबीब साहब आप जानते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि ये एक आदत बन गई है, 5 साल में एक बार आए, रोडा डाल लिए, लाइटा लगाए, फिर 5 साल तक नहीं देते। इधर इट इज़ पॉसिबल, ये कहाँ तक मुनासिब है, ये क्या मुनासिब है, ये लीडर को शोभा नहीं देता। एक कॉल देखते। हेलो जी, बोलिए साहब, कहाँ से? थोड़ा आपकी आवाज़ बढ़ाइए, वॉल्यूम थोड़ा रेस करिए मेरे को जी। शायद कॉल कट गया है, वो किशनबाग से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हम उनके तासुरात को बाद में, अगर कॉल कनेक्ट हो गया तो हम ज़रूर पेश करेंगे। हेलो 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 जी, बोलिए साहब, कहाँ से बात? हकीम पे, हफीज पेट जी, बोलिए साहब। ये ऑलरेडी खाट जो आ रहा नहीं, 3 साल से जी, वो ऑलरेडी का कैसे करा था साहब? इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड का मसला आप इलेक्टोरल ऑफिसर से कांटेक्ट ज़रूर करिए, या एमसीएच कमिश्नर जो टैंगबंड पे ऑफिस है जनार्दन साहब, उनसे रुजू होइए, या ऑनलाइन उनकी एक वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट पे जाकर आप अपना वोटर लिस्ट में नाम निकाल के उसी की कॉपी भी ले सकते हैं। आप उसके बारे में उनसे ज़रूर रब्त पैदा करिए। हेलो हेलो जी, बोलिए साहब, कहाँ से? वालेकुम सलाम। हेलो जी, बोलिए, सुन रहा हूँ सर। हेलो, सुन रहा हूँ साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए साहब, कहाँ से कौन बात करें? मेरे को एक तकलीफ है जी, जरूर बोलिए साहब। जी ये गौर साहब जो हरकत करे है जी, हमारी मस्जिद छोड़ के जो कांग्रेस में गए जी, फिर भी इनसे बहुत नफरत हो रही, कहीं भी इनका तस्वीरिया फोटो देखो तो मेरे को बहुत सा है, क्या करूँ इसके लिए? उनको, उनको आपके लोगों को बोलिए उनको वोट मत डालिए, सीधी सी बात है। मेरा ये ख्याल है, जब आपको उन्हों पार्टी चेंज करने से तकलीफ हो रही है, ऐसे कई लोग हैं जिसे तकलीफ हो रही है जिन्हें। जी सर, कल मुरादनगर में मेरा रास्ता कटा है, रास्ते में रोक के वो लोग पार्टी के लोग कांग्रेस के बाजा बजा रहे, धूम मचा रहे। जी जी हाँ, तो इसके लिए मेरे को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हमारी पार्टी को छोड़ के उन्होंने उधर चले गए। मैं इंडिपेंडेंट, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं पब्लिक हूँ, बराती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि इन्होंने जो हमारे हरकत करे हमारे साथ में जी, गलत हरकत करे। आप अपने लोगों को बोलिए उनके एरिया में उनको वोट मत डाले, सिंपल सीधी सी बात है। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं तो ये काम बिल्कुल कर रहा हूँ। जी हाँ, शुक्रिया सर। जो अभी हबीब साहब अभी बोले हैं साहब, पर्सनल इनका पर्सनल ओपिनियन है, जरूर इनका ओपिनियन हम इस अनकट में हम लाइव में पेश करे हैं। इनका ये साहब का ओपिनियन है कि गौस साहब जो हाल ही में जमाने से वो मजलिस से वाबस्ता है, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और अपने अहिलिया को, अपने फर्जंद को भी उन्होंने ये एक तरीका समझ में नहीं आया कि इलेक्शन में
बीवी बच्चे जो ठहर जा रहे हैं, ये तो एक तमाशा हो रहा है। और मुझे भी इस बात का अफसोस है हबीब साहब कि गौस जैसे एक सीनियर मजलिस पार्टी के वर्कर, आप सालार मोहतरम के दौर से पार्टी में काम कर लेते आए, आप छोटी सी किसी बात पे आप पार्टी चेंज कर, ठीक है आपका पर्सनल ओपिनियन है, आप कांग्रेस में जाइए, बीजेपी में जाइए, टीआरएस में जाते जहाँ जाते जाइए, आपका ओपिनियन है। लेकिन आप क्या जाने से पहले सदर साहब से बात करे थे, आपका ओपिनियन जाहिर करे थे? वो बोलना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है इलेक्शनों में, कांग्रेस में कूदे, बीजेपी वाले एमआईएम में आइए, अवाम में जब आते हैं तो अवाम इनसे सवाल करना कि भाई जाने की वजह क्या है, ये बात वजह बताइए। अवाम सवाल करिए आप, गौस साहब भी इलेक्शन में हैं, उनकी अहलिया भी है, उनके फर्जंद है, अवाम सवाल करिए आप, इतने जमाने से मजलिस में थे, छोड़ने की वजह क्या है, आप ये वजह जाहिर करो। आप अपने पर्सनल मफाद के खातिर जमातें छोड़ के जा रहे हैं, पार्टियां छोड़ के रद्दोबदल हो रही है, ये अनफेयर है, अवाम के साथ धोखा है। जो अवाम आपको चुनी है उस अवाम के साथ धोखा है ये। आप अवाम जाकर अभी आपके इलेक्शन में आएंगे तो उनको पूछे कि आपने जमात क्यों छोड़ा है, वो तासुरात पेश करें, उसके बाद उस पर आप डिसाइड करें। हम या एक कॉल लेते हैं और उसके बाद हमारे रिमेनिंग तासुरात पेश करते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम साहब, मैं मलकपेट से बोल रहा हूँ। मलकपेट, जी साहब बोलिए। जी, यहाँ अकबरबाग डिवीजन में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी चल रही साहब। किसकी गुंडागर्दी? एमआईएम पार्टी की, अकबरबाग डिवीजन मलकपेट। अच्छा अच्छा, जहाँ से ये हमारे एमबीटी के कैंडिडेट खान। जी। अरे वो तो आप जानते हैं साहब, अब हम उसके बारे में कमेंट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं है कि उनके बारे में कमेंट कर लेते बैठे हैं। हमारा मकसद आवाम के तासुरात बताना है। ये अमजदुल्ला खान साहब मार के बोल रहे हैं, कम्प्लेंट करिए, शिकायत करिए, आप जाके पुलिस में करिए, या आप खुद मेरा मशवरा है, आपको कौन मारते बोल रहे हैं, आप सदर साहब को बोलिए, जाके मजलिस के सदर आपके एरिया में फिर रहे हैं, आपको लोकल एमएलए से हाँ, तो उनके बारे में आप सदर साहब से शिकायत करिए, अकबर साहब से शिकायत करिए, जाके उनका रिस्पांस देखिए पहले कैसा रहता, क्या वो भी सपोर्ट करते हैं ना सब। जी मिल रहे नहीं, बच्चों को लेके वीडियो ले रहे, नामा लिख ले रहे, तो पुलिस में शिकायत करिए, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करिए, उनके बड़े कायदे से शिकायत करिए, वरना फिर आप पुलिस में शिकायत करिए, पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगी जरूर। अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूं कि हमारे रिमेनिंग जो तासुरात आवाम के हमारे नुमाइंदे लाए हैं मुख्तलिफ डिवीजन में फिर के, उन तासुरात को भी देख लेते हैं ताकि ये शिकायत ना हो कि हमारा ये अनकट में हमारा सेंसर कर दिया गया। देखिए तासुरात है, बापू नगर, एसर नगर, घर हम 4 महीने हो गए घर लिखा के, अभी तक नहीं दिए हम लोग को घर। कौन सा घर? घर गरीबों को दे रहे बोले ना, इसलिए किधर से देते दे बोले वो बोलो, नहीं मालूम ना वो। इधर से पानी आ रहा भैया हमारे को, इधर से पानी आ रहा, ये हमारे मैं ईसानगर में रह 30-40 साल से रह रहे हैं हम लगा यहाँ पर, हर चीज़ का प्रॉब्लम है हमारे को, पानी का प्रॉब्लम है, मोहरियों का प्रॉब्लम है, सही घर भी नहीं है, हम लगा 30-40 साल से किराए से रह रहे हैं, हमारे को कोई चीज़ की सहूलत नहीं है यहाँ पर, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है हमारे को, छोटे छोटे बच्चों को लेके हम लगा मुसीबत से रह रहे हैं यहाँ पर, और एक वो घर हम दे रहे बोल के बोल रहे थे इतने दिनों से, 2 बेडरूम के रूमा दे रहे बोले, वो भी नहीं आए हमको आज तक, हम उसके आसास में थे आ जाएंगे बोल के, वो भी नहीं मिले हमारे पास। एप्लीकेशन डाले आप लोगों? एप्लीकेशन डाले हम लोग, 4 महीने हो रहा डाल के, अभी आज तक हमको कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका, बहुत प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ पर। अब पूरे लीडर आके उन्होंने हमको वोट डालो बोल तो हमारे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेंगे? हमारा प्रॉब्लम भी तो देखिए आप लोग, हमारा प्रॉब्लम बहुत चल रहा व्हाट्सएप चैनल से हमारे को, उसके वास्ते हमको थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा शायद, बहुत बहुत शुक्रिया है। भाई कहाँ रहते आप? ये रहे। अच्छा, क्या हुआ आपके? ये मोरी का बहुत पानी का बहुत प्रॉब्लम है, कोई ये नहीं करे लीडर, आते वोट हम दला लेते,
चले जाते। हमारे कितना मुसीबत है किसी को नहीं है, ये गली का वो गली का पूरा पानी हमारे घर के सामने से आता, कोई ये नहीं करते। यहाँ आकर रुकता हो दे, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हमारे। हाँ ऐसे हो रहे भैया। हाँ कितने साल से आप यहाँ? यहाँ कितने साल से आप? हम बहुत साल, 50-60 साल से। अच्छा, मेरा नाम नागरानी है, वी आर फ्रॉम ऐसा नगर बापूनगर बस्ती। हम लोग ना बहुत से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर एक्चुअली सीधा नहीं आ सक रहा, और हम लोगों की यहाँ पे जीना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा। कब से गोदावरी पानी छोड़ा, उससे पहले थोड़ा अच्छा था, अच्छा पीने के लिए भी रहता था हमारे को, लेकिन अभी यूज़ करना बोले तो भी मुश्किल हो रहा पीने का पानी। हम लोग ना हर बार एक एक कैन वी आर ब्रिंगिंग एंड वी आर यूजिंग, सो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सफ़र। इफ़ वी आर इन्फॉर्मिंग टू लीडर्स ऑल्सो, दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट giving any answers for us, so we can't do now anything. So for in now elections are getting come soon, so but in election also for who have to you vote, who can't say them properly. When we are saying for them our problems, they are telling no need to worry anything, we will do all those things. First you vote for us, then we will support you all. Where are you from? Where are you from? We are from Bapunagar only. What we are living name? Here my what name is Nagarani. I am a teacher. ये गली में बहुत वाटर का बहुत प्रॉब्लम आ जा रहा है। लाइक यहाँ पे जो ड्रेनेज है, जो MCH वाले कौन भी कोई भी हमारे लिए कुछ यहाँ गली पे लाइक कोई हेल्प करना नहीं, जस्ट इलेक्शन के टाइम पे आके वोट मांगते, लेकिन हमारे गली का जो परेशानी है वो कुछ नहीं बोल सकते और कुछ करते भी नहीं। मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि ये गली थोड़ा, हमारा भी गली थोड़ा अच्छा डेवलप हो, खाली इलेक्शन के लिए नहीं हर एक के लिए है कि रोड बनाने रोड डाले, लेकिन अभी वो रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है वो भी नहीं करे, और ड्रेनेज का जो होल है वो भी सीधा, वो जो ड्रेनेज का जो होल है वो होल ऐसे ओपन है, उसको ना ड्रेनेज का कुछ डाले। रात के टाइम पे बच्चे खेलते रहते हैं और कोई भी खेले भी प्रॉब्लम नहीं रहता, और करंट बिल बहुत बढ़ के आ रहा है। एक घर के लिए 3,000 रुपये एक बंदा कैसा बने, एक घर के लिए 3,000 रुपये कैसा बनेंगे, आप एक नॉर्मल मैन कैसा बचेंगे एक 3,000 रुपये, आप ही सोच के जरा ये बोलिए। अरे दादी, वेलकम बैक टू DHMC अनकट की खास पेशकश हमारे चैनल की जानिब से। हम हमारे नुमाइंदे जिन्होंने मुख्तलिफ डिविजन्स में फिरकर आवाम के तासुरात लाए, वो आप देख रहे थे। ये लाइव डिस्कशन अभी जारी है, हमारे हबीब साहब भी यहाँ पर मौजूद है। तो हबीब साहब से मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके तासुरात भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। हबीब साहब, ये अलहदा तेलंगाना होने के बाद में, जैसा कि मैंने पूछा था, आपने कह दिया कि अंदरूनी अलायंस है, इसके बारे में कॉमेंट मैं नहीं करूँगा, लेकिन किस पार्टी को एड्स दिख रहा है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? इस बार तो खैर TRS ही अभी आगे दिख रही है, अभी TRS ही आगे है, और शायद TRS को ज़्यादा सीट्स मिलेंगे जी। BJP TDP का तो अभी ज़्यादा वजूद तो है नहीं जी। MIM सेकंड पोजीशन पर रहेंगी अभी जी इंशाल्लाह। अब देखना ये है कि भाई मेयर हमारा का जो जी, जी, जी। ये मेयर हमारा, मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ अभी भाई जी। हमारे चैनल इस प्रोग्राम के जरिए बोल चुका हूँ कि हर जगह स्लोगन्स होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि शहर हमारा मेयर हमारा, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, क्योंकि मेयर कब हो सकता है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 150 डिविजन्स हैं इस वक्त, उसमें अगर 80 कारपोरेटर्स जीतते हैं तो ही मेयर हो सकता है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांटेस्ट कर रही है 60 सीट पे, तो ये मेयर हमारा का स्लोगन थोड़ा सा यहाँ पे, मैं माफी चाहता हूँ, अलायंस कर सकते हैं, बना सकते हैं, हो सकता है वो भी। और एक चीज ये है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से भी 33% वुमेन सीट्स के लिए कहा गया, अभी 50% दे दिया गया। अब जो कॉर्पोरेट जो बनेगा, काउंसिल बनेगा, 75 कपल्स रहेंगे सब। अच्छा, तो ये बड़ी है कि 75 कपल्स के हिसाब से हो जाएगा, ये काफी जोक कह रहे हैं हमारे अमित साहब। 75 कपल्स, ये काउंसिल है शहर की, काफी इम्पोर्टेंट बॉडी होती है, यही बॉडी से शहर की तरक्की जानती है। एक कॉल ले लेते हैं अमित साहब, कॉल लेते हैं। हेलो जी, बोलिए साहब, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं हाफिज बाबा नगर से बात कर रहा हूँ। हाफिज बाबा नगर से बोलिए सर। जी आप कोई साहब मलिक पेट से फोन करें। नहीं कहाँ पे हमारे तो आता जाता हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। जी जी अभी अभी एक बार से जो कॉल आया था नहीं वो साहब शिकायत करे कि डरा रहे मार रहे फोटोग्राफी करे बल्कि ऐसी शिकायत कुछ करें। बिल्कुल गलत बात है साहब। बिल्कुल वहाँ के बच्चे बच्चे से पूछो जी और वहाँ पे जो कैंडिडेट है न्यायाधीश सही पत्नी है वो। अच्छा वहाँ का वर्कर जो कैंडिडेट है आज अकबर बाग के साहब क्या नाम है साहब उनका थोड़ा सा दोहरा दो। हर किसी की हमदर्दी हर किसी का वो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भैया बेशक मैं खुद बलाला साहब को जानता हूँ। हबीब साहब ये साहब से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। मैं खुद बलाला साहब को जानता हूँ जब वो कारपोरेटर भी नहीं बनते जब से हम हमारी उनकी दोस्ती रह चुकी है। बलाला साहब काफी वो भी MIM जमात के मेहनती वर्कर से आज MLA बने हैं। मैं उन्हें खुद जानता हूं। शायद अगर वो साहब के तासुरात थे जो मलकपेट से कॉल करे थे ये उनके तासुरात थे कि ऐसा हो रहा है तो सदर मजलिस साहब मौजूद है अकबरुद्दीन अवैसी साहब मौजूद है खुद बलाला साहब वहां फिर रहे हैं उनको पकड़ लीजिए शिकायत करिए बोलिए कि आपके लोग डरा रहे हैं कर रहे हैं देखते हैं उन्होंने क्या तासुरात थे। अकबर अवैसी साहब ये चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। देखे आपने हाल ही में अकबर अवैसी साहब पे जानलेवा हमला हुआ वो उनकी दूसरी जिंदगी है ये किसके लिए है आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं तो उन पे हमला हुआ तो बेबाक आवाज है उनकी आज देख रहे हैं सारी दुनिया में मशहूर हो गए असद साहब सारी दुनिया किसकी आवाम के रिप्रेजेंटेटिव ठीक है ऐसे शिकायतें रहते हैं हबीब साहब इन्हों उनकी जमाते उन्हों उनकी जमाते बोलते ये चलते रहता है लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि ऐसे दादागिरी करने वाले के खिलाफ में सरपरस्ती वो लोग नहीं करेंगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सालार मोहतरम आली जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब मुझे भी बहुत चाहते थे आपको भी चाहते थे हम खुद उनके साथ बैठते थे ऐसी काबिल शख्सियत मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें ये खुद बोलते थे ये हरकतें पार्टी में दादागिरी नहीं है नहीं बर्दाश्त करूंगा ये उनके तासुरात थे और यही फीलिंग्स सालार की अकबर साहब असद साहब फॉलो कर रहे हैं ये ऐसा मैं कह रहा हूं इसलिए जो चैनल देख रहे हैं वो ये मत समझिए कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं ये मेरे पर्सनल फीलिंग है क्योंकि मैं जानता हूं इसलिए अपने दिल की बात कह रहा हूं। अगर हमने माजिद हुसैन साहब के बारे में बताया है माजिद हुसैन साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेयर रह चुके हैं माजिद हुसैन साहब भी वर्कर बेसिक वर्कर से मेयर बने उनके बारे में एक शिकायत हमारे हाथ लगी हमने उसके बारे में बताया है हमने कोई गलती नहीं की जो लोग धमकियां दे रहे एक बार फिर दोबारा हबीब साहब हमारे पास वक्त कम होने की वजह से हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे कट करते हैं लेकिन हमारा ये प्रोग्राम डेली 12 बजे चलेगा अनकट हम लाइव नहीं करते थे लेकिन आज लाइव कॉल्स हम इंशाल्लाह कल से जरूर लेंगे क्योंकि आवाम के अच्छे तासुरात सामने आ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है हबीब साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज मौजूद हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमने आवाम के तासुरात भी दिखा दिए हैं हमने लाइव में कॉल्स भी लिए हैं। एक बार फिर मैं दोबारा कह दूँ तीन चीज़ों का क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये आवाम का चैनल है किसी पार्टी का चैनल नहीं है किसी लीडर का गुलाम नहीं है हम पार्टी के हम पब्लिक के गुलाम हैं आवाम जो कहेगी हम ज़रूर बताएंगे। दूसरी चीज़ एक नया प्रोपोगंडा चल रहा है शहर में बीजेपी का चैनल है भाई बीजेपी का चैनल बोल रहे हैं आपके चैनल का लोगो बीजेपी का है मैं इसके बारे में भी फिर दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ ग्रीन रंग इस्लाम कम्युनिटी का है बाजू का गेरू रंग नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का है व्हाइट अल्फाबेट्स
पीस की निशानी है। ये तीन चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए ये लोगो डिजाइन करे हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई बोलता है कि ये बीजेपी का चैनल है तो बोल ले। अगर राजा सिंह के बारे में भी या किशन रेड्डी के बारे में भी हमारे पास कोई सबूत लगेगा, हम उसे भी बेबाक बताएंगे, हम डरेंगे नहीं। और एक बात हबीब साहब, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, माजिद हुसैन साहब के चाहने वाले बहुत से लोग मेरे को फोन कर कर डरा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। वो तो चाहत में वो तो चलते रहता है। माजिद साहब की चाहत में ये है, माजिद साहब को भी नहीं मालूम के फोन करके धमकियां दे दे रहे हैं। अगर उनको मालूम होगा तो पहले वही डांटेंगे क्यों करें। सदर साहब को मालूम होगा, असद साहब को, तो पहले वही डांटेंगे क्यों करें, क्योंकि सदर साहब का ही इंस्पायरेशन रहता है कि नेगेटिव आप बताइए तो हमारे को काम करने का मौका मिलेगा। वही काम हम कर रहे हैं, 30 साल से देखते हुए आ रहे हैं, ये चीजें तो होते रहेंगे इसके लिए रहेंगे। और एक आखिरी में छोटा सा ये सब्जेक्ट से हटके मैं एक चीज हमारे नाजरीन को बोलना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन से ये रिलेटेड नहीं है मैं जो अब बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये मौका है, बोल दे रहा हूँ, जरूर सुनिए। 26 जनवरी आ रही है, रिपब्लिक डे। ऐसे अक्सर मौकों पे NIA, दूसरी पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस हैदराबाद शहर में आती है, बेशक हैदराबाद शहर से ISI, ICS एजेंट्स बोल के पकड़ते हैं। ये ऐसे मौकों पे क्यों आते हैं? आते हैं अभी सब, मैं यहाँ पे ये आवाम में अवेयरनेस लाना चाह रहा हूँ। जो लोग पकड़े गए हैं हाल ही में आप देख रहे हैं, हमने भी चैनल पे बताया है, अखबारात में भी आया है, ये लोगों का हैदराबाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग बाहर के लोग हैं, यहाँ पे आके शेल्टर ले रहे हैं, हैदराबाद को बदनाम कर रहे हैं। हैदराबाद शहर हमारा अमन का शहर है और इस्लाम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता कि टेररिज्म का बढ़ावा हो। इस्लाम दहशतगर्द के खिलाफ है। कोई शहर की आवाम को मेरा एक मशवरा है, अगर कोई किराए पे घर लेने आ रहा है मोहल्लों में तो उसके बारे में इंक्वायरी करिए, तहकीक करिए, ज्यादा पैसों को मत देखिए, किराए को मत देखिए। आज ये वही नतीजा है जो ISIS के इतने सारे एजेंट्स हैदराबाद में पकड़े गए हैं, ये वही नतीजा है कि बिना इंक्वायरी के मोहल्लों में दे दिए। आज एक टोली चौकी एरिया का घर एक अखबार में मैंने देखा है, एक ISIS एजेंट की फोटो देखी है, टोली चौकी एरिया में 5 साल से मुखीम है, ओनर को नहीं मालूम कि ये कौन है, बस आए किराया बढ़ के दे दिया, घर दे दिए। आज ओनर को जो परेशानी होगी वो मैं कह नहीं सकता, ओनर भी परेशान हो सकता है। लिहाजा ISI एजेंट्स, ISIS का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, अरे ISIS की जरूरत नहीं है हैदराबाद में आके दहशत गर्द मचाने की, लेकिन इस्लाम में कत्ल की इजाजत ही नहीं है। ISIS क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मजहब को नहीं देखता। अगर एक बम ब्लास्ट करती है पब्लिक प्लेस में करती है, बम ब्लास्ट में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, मासूम बच्चे हर कोई मरते हैं। क्या ये कोई मजहब से ताल्लुक रखते हैं? ये यहूदी एजेंट है। जैसा कि मैं यहाँ पे और एक बार हमारे सदर मजलिस साहब, MP साहब का कोट करना चाहता हूँ, उन्होंने ISIS को खुली धमकी चैलेंज किया है कि तुम आओ देखेंगे। ISIS वालों ने भी MP साहब को धमकी दी है कि हम उड़ा देंगे। यहाँ पे MP साहब का मैं 110% सपोर्ट करता हूँ। ISIS का ताल्लुक नहीं है, ISIS का हैदराबाद में मुकाबला हम करेंगे, मुसलमान करेंगे ISIS का मुकाबला, जरूर करेंगे। और हम यहाँ पर ये प्रोग्राम को रोकते हैं, हमें दीजिए इजाजत, कल 12 बजे हम फिर इस अनकट प्रोग्राम में जरूर हाजिर होंगे। हम हबीब साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, शाहिद कुरैशी को दीजिए इजाजत, गुड बाय।